हाय दोस्तों, देखिए मैं आज बरेश से जा रही हूँ मिठाई बनाने। आप लोग देखिए कैसे बन रहा है। इसको चाकू से ऐसे पूरे साइड से चारों तरफ से निकाल लेंगे। ऐसे करके पूरा निकाल लेते हैं। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। सिंपल सी ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत इजी है बनाना इसका। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए पूरा अच्छे से मैंने काट लिया है पूरा साइड्स का। अब देखिए मैं कढ़ाई रखी हूँ इस पर गैस पे। देखिए अब इसको मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल मेरा गरम हो रहा है। उसके बाद गरम जब हो जाएगा आँच से आँच, तब इसमें हम ब्रेड डालेंगे। ऑयल मेरा गरम हो चुका है, अब इसमें हम ब्रेड डालेंगे, तलेंगे इसको अच्छे से। देखें ब्राउन हो चुका है, इसे पूरा बारी बारी से हम तल लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे से तला चुका है पूरा अच्छे से, है फ्राई हो चुका है अच्छे से एकदम कुरकुरा। अब कढ़ाई में हम दूध डालेंगे। पहले इसमें दूध डालेंगे। दूध डालें, अब इसको अच्छे से हम खोआ जैसा बनाएंगे, मावा बना देंगे इसको। मेरा दूध उबल रहा है, थोड़ा सा इसे चलाएंगे। जो बचा हुआ ब्रेड था साइड का, अब इसमें हम डालेंगे। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। इसको भी हम दूध में इसे मिक्स करेंगे। देखिए जल्दी घुल गया इसमें। खाने में टेस्टी भी लगेगा, कम पैसे में ही बन जाएगा। एक बार ज़रूर आप लोग बनाइएगा। इससे आधा कटोरी चीनी डालेंगे। इसको भी इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, इसमें घुलाएंगे, घुल जाएगा। ये देखिए मेरा पक चुका है। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको अच्छे से मिक्स करके इसको। इसमें दूध ज़्यादा है, खोआ जैसा लगेगा ये। देखिए दोस्तों मेरा बन चुका है मावा। अब इसको हम गैस बंद करेंगे। अभी आपको दिखाती हूँ। दोनों रेडी हो चुका है, मैं इसको बना के खाती हूँ आपको।
इसके ऊपर ये ऐसे रखेंगे। चुका है ये गरम है, अंदर मीठा मिक्स हो जाएगा। इतना सारे बच्चे हैं ना ये देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये फटाक से ख़त्म हो जाएगा। इतना बचा है इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। ये देखिए कैसा बना है, एकदम एक कुरकुरा है, अभी ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी जल रहा है, इसको ठंडा करेंगे तब बच्चे लोग को देंगे खाने के लिए। ऐसा आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, फटाक से बन भी जाएगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, बच्चे लोग खुश भी हो जाएंगे।